Okay, three class. In a previous video, we have already discussed the whole story of Amin. So our next step is to explain each and every word into clear meaning. So today we will cover about three areas like dictation words, words meaning and word sentences. And you have to write these topics on your notebook in a clear form. तो आपको ये जितना भी काम दिया जाएगा लाइक डिक्टेशन वर्ड्स वगैरह वो आपको नीट कॉपीज पे काम करना है. सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द डिक्टेशन वर्ड्स. ओके थ्री क्लास, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड. आपको यहाँ पे लिखना है कि डेट. व्हाट इज द डेट टुडे? 6 अप्रैल 2020. एंड देन मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड व्हिच इज यू हैव टू मेंशन द डेट द डे. व्हाट इज द डे टुडे? मंडे. Then write about the unit, which is Amin and the X. And our topic is dictation. First word is drought. D-R-O-U-G-H-T, drought. मैंने बताया था जो कहत साली है, जहाँ पे बारिश नहीं होती तो उसका लिटरल मीनिंग कहत साली. नेक्स्ट वन इज मर्चेंट. M-E-R-C-H-A-N-T, मर्चेंट. थर्ड वन इज विलेज. विलेज का मैंने बताया था गांव. V-I-L-L-A-G-E, विलेज. फोर्थ वन इज चिकन. C-H-I-C-K-E-N-S, चिकन्स. जो चूजे हैं. RETURNED, रिटर्न, वापिस मुड़ना या वापिस. एंड द लास्ट वन इज सडनली. SUDDENLY, सडन. और ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लेटर आप लिख रहे हो वो स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है? इस तरह. क्लास सिमिलरली यू हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न फॉर योर वर्ड्स मीनिंग, ठीक है? आपको नेक्स्ट पेज पे वही डेट मेंशन करनी है जिस डेट पे आप लिख रहे हो, फिर डे करना है, फिर यूनिट नेम लिखना है. और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ड्स मीनिंग, ठीक है? तो टॉपिक की जगह आपने क्या लिख लेना है? वर्ड्स मीनिंग. वर्ड्स मीनिंग. फर्स्ट वर्ड है ड्राउट. DROUGHT. इसका क्या था? कहत साली, ठीक है? अमीन ने जिधर वो अपनी सारी जो क्रॉप थी वो लॉस्ट की थी ना, ये वही वाला है. सेकेंड वन इज डेब्ट, जो कर्ज लिया था, ठीक है? कर्ज लिख लो या उधार. थर्ड वन इज रिफ्यूज्ड. रिफ्यूज होता है इनकार करना. ओके, फोर्थ वर्ड इज कंप्लेन. COMPLAINT, कंप्लेन. कंप्लेन होता है शिकायत करना. वो जो मर्चेंट ने की थी ना अमीन के बारे में, ये वो ही है, शिकायत करना. फिफ्थ वर्ड इज प्रॉमिस. PROMISED, प्रॉमिस होता है वादा करना. वर्ड इज मर्चेंट. MERCHANT, मर्चेंट, ताजर. ये जो कंप्लेन है वैसे कंप्लेन होता है, लेकिन यहाँ पे टी का एडिशन इसलिए हुआ क्योंकि ये पास में सारी स्टोरी लिखी गई है, इसलिए. ये भी प्रॉमिस होता है ना, ईडी का एडिशन है, तो इसका क्या मतलब है? ये पास में है. तो स्टार्टिंग सारे वर्ड जो है वो आपने स्मॉल वर्ड्स में ही लिखे. ओके थ्री क्लास, और नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड सेंटेंसेस. आपको उसी तरह करना है जैसे फर्स्ट में आपने डिक्टेशन वर्ड्स एक पेज पे लिखना है विद द सेम पैटर्न. फिर जो वर्ड्स मीनिंग है वो भी ऐसे ही आपने फॉलो करना है, और जो वर्ड सेंटेंसेस है उसके साथ भी आपने इसी तरह ऊपर मेंशन करनी है हर चीज. अब जैसे वर्ड सेंटेंसेस है, वर्ड्स सेंटेंसेस. फर्स्ट वर्ड इज ड्राउट. DROUGHT. इसका सेंटेंस हो सकता है अमीन लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स इन अ ड्राउट. DROUGHT, ड्राउट, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज विलेज.
VILLAGE, इसके भी स्मॉल से ही स्टार्ट होंगे. विलेज, आई लिव इन अ विलेज, मैं विलेज में रहती हूँ. थर्ड वर्ड इज रिफ्यूज, REFUSED, रिफ्यूज इनकार कर देना या मना कर देना. ही रिफ्यूज्ड टू टॉक टू मी, उसने मुझसे बात करने से मना कर दिया. फोर्थ वर्ड इज मर्चेंट, MERCHANT, मर्चेंट, ताजिर. अली'स फादर, अली का जो फादर है, अली'स फादर इज अ मर्चेंट, MERCHANT, मर्चेंट. ओके, लास्ट वर्ड इज कंप्लेंट, COMPLAINT, कंप्लेंट, वही शिकायत. ठीक है, आई हैव गॉट अ कंप्लेंट, मुझे एक शिकायत मौसूल हुई या मिली. अब क्योंकि यहाँ पे हैव को आई हैव जब इकट्ठा लिखते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में इसी तरह लिखते हैं. ठीक है, आई कॉमा एंड बी ई.